ऑक्टाहेड्रॉन एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है जिसमें 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। इस स्ट्रक्चर को SF6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड में देखा जा सकता है। दूरी पर जाकर वेज को देखेंगे, उसमें देखेगा दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सेकेंड पार्ट देखते हैं, ग्रैंड शटल। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कॉइल के द्वारा, फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट इंड्यूस करता है एल्युमिनियम बॉबिन के द्वारा। दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिपल्सन होने से बॉबिन जंप करता है ऊपर की ओर, उसके बाद मूव कर जाता है अदर एंड पर इनिशियल मोमेंटम कारण। वैसे ही दूसरे साइड में भी होगा और उसके बाद बॉबिन बंद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन, इसमें 3 पतले मिरर को एक काटे गए ट्रायंगुलर पिरामिड के इनसाइड फेसेस पर रखा गया है। यह मिरर ऑक्टाहेड्रॉन की एक वर्चुअल इमेज बनाता है जिसे ऑपोजिट साइड में रखे गए मिरर में देखा जा सकता है। आसपास के मिरर में कई रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है जिसमें 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। इस स्ट्रक्चर को SF6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड में देखा जा सकता है। और इसमें देखिए कितना मतलब बहुत सारे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक पिक्चर का 20 रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्पीकिंग पिक्चर। वहां पर स्विच ऑन करेंगे जब हम, उसका लार्ज वेज है और रोटेट करने लगेगा। उस दूरी पर जाकर वेज को देखेंगे, उसमें देखेगा दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जांपल है। चलिए आगे चलते हैं। आइकोसाहेड्रॉन, यह ऑक्टाहेड्रॉन की तरह ही होता है। डिफरेंस इतना ही है कि इसमें 20 फेसेस होते हैं और इसका स्ट्रक्चर को B12H12 में देखा जा सकता है। और इसमें देखेंगे कि हम बहुत सारे पिक्चर दिखाई देंगे, लगभग 20 दिखाई दे रहा है इसमें, हर चीज का रिफ्लेक्शन 20 बार हो रहा है। Thank you.
चलिए आगे देखते हैं हनीकम। यहाँ 6 मिरर एक हेक्सागोनल प्रिंट के इनसाइड फेसेस पर रखे गए हैं। ये मिरर इमेज फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और हनीकम में सदृश एक इन्फिनाइट हेक्सागोनल ग्रिड दिखाई देता है। देखिए इसमें हमारा इन्फिनाइट पिक्चर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं इन्फिनाइट वेल। इसमें इन्फिनाइट वेल दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जंपिंग डिस्क। यह ग्रैंड शटल की तरह फेनोमेनन पर काम करता है और इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं पावर ऑफ 1। हम लोग देखेंगे कि पावर ऑफ 10 से 1 मीटर दूरी से कितना नजदीक लोग दिखते हैं, और हम फिर 10 मीटर से देखेंगे, फिर 100 मीटर से देखेंगे और पृथ्वी दिखने लगेगा 10 किलोमीटर दूर से, और फिर आगे देखेंगे कितना छोटा होता जाएगा पृथ्वी का आकार, और उसके बाद दिखाई देगा 10^9 तक।
अब आगे चलते हैं फिर से, अब अपना लाइट ईयर में देखेंगे अपना गैलेक्सी को, मिल्की वे को, और आगे देखते हैं 10^9 लाइट ईयर तक हमारा गैलेक्सी कितना छोटा दिखता जाएगा। अब फिर से हम अपने छोटे यूनिट को देखेंगे जो 1 मीटर से लेकर 10.60 मीटर तक दिखाया गया है। आगे देखते रहिए।